हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर क्लास देखो पले लास्ट क्लास कहना यूनिट फाइव रो चैप्टर नंबर ट्वेल्व पूरा सरी जाता देख डिस्कस कला पे वन सर भिड भी तरह होगा आज कौन करें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जगह थ्री डी कहे पे तार वन सर भिड करदे पे टोटाल थ्री डी आम देखा गोटे भिडे है तो थीओरी कहूँ पे है जहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जगह थीओरी भितर ही कहीदे पे ठीक अच्छे ना आम करवा आनालीस भी करा पे टेन इयर क्वेश्चन ठीक अच्छे ना पे देख स्टार्ट करवा क्लासटा थ्री डी ओके मेन देख पे थ्री डी कौन अच्छे तीन टा पार्ट्रे भांगी है तो फर्स्ट देख कौन अच्छी पॉइंट वन अच्छे पे डीसीएस एंड हूँ कौन ये डीआरएस जहाँ हूँ कौन एक्सरसाइज पे थर्टीन रे अच्छी ओके पॉइंट टू पे प्लेन उपर प्लेन उपर कौन थर्टीन री रे अच्छे पे एंड लाइन अच्छी लाइन टा कौटी अच्छे थर्टीन री रे अच्छे पे इमें कौन अच्छे तीन टा पार्ट्रे भागी डीसीएस डीआरएस हूँ थर्टीन ए प्लेन हूँ थर्टीन बी एंड लाइन हूँ थर्टीन सी पे ठीक अच्छे ना वन बै वन स्टेप सब बुझा पे थी बुझा क्वेश्चन देखिए कौन अच्छे सब क्लियर करा पे ठीक अच्छे देख तो फर्स्ट मुझे कौन स्टार्ट कर पॉइंट वन स्टार्ट कर डीसीएस आउ डीआरएस डीसीएस जान भाला एंड कौन पे डीआरएस ये भी तुम्हारा हो पे देख डीसीएस कौन डीआरएस कौन फर्स्ट बुझापर ए भर बुझा पे बेटर हम आम कौन कर जो भेक्टर आम पढ़ले सीठी भी कौन थी डीसीएस डीआरएस थी पे ये भी सेम डीसीएस डीआरएस बहुत सेम पे कौन फल बुझ भाला डीसीएस है तो फर्स्ट आम कौन करा पड़े थ्री डी आकार व्यू ना पड़ो बोले है भाव दिए गोटे थ्री डी प्लेन गोटे चूज कले ठीक अच्छे सपोज ये हूँ थ्री डी स्पेस टा भी आम एटा किसी ड्रइंग अच्छे ओके ए देख पे मुझे कहूँ गोटे लाइन टे भाभी दिए ये हूँ थ्री डी आकार अच्छे ना ये हूँ एक्स ये वाई सपोज ओके ये वाई है भाभी दिए ये हूँ कौन ये जेड नहीं है सपोज ये पॉइंट ओरीजिन नहीं गली ये है ए बी सी किसी भी तुम ना दि कि पढ़ल ना बोले तो एक केस कौन है गोटे लाइन टेम जॉइन कर रखिल पे क्या कल बोले ओरीजिन को रख रखिल पे ठीक अच्छे ना तो ए केस कौन कर ये जो लाइन टा अच्छी है से कौन कर किसी एंगेल कर सहित किसी एंगेल कर वाई सहित किसी एंगेल कर जेड सहित है लेट द एंगल्स बी है लेट द एंगल्स कौन हम बोले अल्फा बीटा और गामा जी है इनकुलेसली कौचे एल इक्वल टू हूँ कौन आम कॉस अल्फा एम इक्वल टू हूँ कॉस बीटा एन इक्वल टू हूँ पे कॉस गामा दिस थ्री वैल्यू ओके एल कमा एम कमा एन जगह मैं लिखुचे कौन एफ मैं लिखुचे दिस इक्वल टू कौन एक्चुअली पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आपको कहते हैं ठीक डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन बोले हमें कहते हैं ठीक अच्छे ना तो मैंने इंक्लिनेशन रो कोसाइन वैल्यू रो मीनिंग होचो कम बोले डायरेक्शन कोसाइन बोले हम कहते हैं ठीक से मिते पिले ये रहा डीसीएस ऑपरेशन ला हमर सिमित कोन चाहे बारे आ आउट कोन लिखे डीसीएस भी लिखु छे पिला में डायरेक्शन कोसाइन भी कहते हैं पॉइंट टू देखो अच्छा हमर डीआरएस डीआरएस देख पे कौन कहवा डीआरएस हूँ डायरेक्शन रेशियो बोली कौन देखो दीज आर द नंबर्स कोई नंबर जगह पे है व्हिच सैटिस्फाई द कंडीशन कौन देखो ए बाय एल इक्वल टू बी बाय एम इक्वल टू सी बाय होची एन पे मैं तुमको उल्टे लिख हम एल बाय ए इक्वल टू एम बाय बी इक्वल एन बाय सी भी कहपर एक केस लिखिया पे ए कमा बी कमा सी ये हूँ पॉइंट आम कह डायरेक्शन रेशियो बोली कहवा पे आगे जिन सर होगा पे कौन देख जदि आम गोटे लाइन टाइम ड्र करे तो जहाँ भी तो एंगल हूँ से भी कौन या अल्फा थिला ये बीटा थिला ये कौन थिला हमारे गामा थिला हाँ कि नहीं सपोज हम कहे लाइन टाक मुझे बैकवर्ड नहीं गली बोले बुझ गला है अलरेडी कही चीजें जो ये बैकवर्ड पड़ा है तो से केस कौन देख पे लाइन टे थिला बोले आउ लाइन टाइम ड्र कर गोटे एंगल जब अल्फा है मैंने बैकवर्ड गला मैंने कौन आउ एंगल क्रिएट होता है ना से एंगल टा मस्ट भी कौन हम पाई माइनस अल्फा हम सेमती पे जी बैकवर्ड गला गामा सहित कौन हम पाई माइनस गामा हम बीटा सहित कौन हम पे पाई माइनस बीटा हम तो से केस कौन हम इफ वी चूज द बैकवर्ड पार्ट ओके द
देन सेकंड से कौन अपले जो एंगल टा आसीबो पाई माइनस अल्फा हे जीवो पाई माइनस बीटा हे जीवो आ कोन होला पाई माइनस गामा हे जीवो यदि पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा हला देन जदे मैं देखिबा डीसीएस कोन आसीबो तो खाल डीसीएस कोन आसीबो प्ले cos ऑफ होची पाई माइनस अल्फा cos ऑफ होची पाई माइनस बीटा एंड cos ऑफ कोन आसीबो प्ले पाई माइनस गामा आसीबो cos ऑफ पाई माइनस अल्फा माने कोन होले माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस होचे गामा ठीक अछि ना बले ये भेल असला एबे क्वेश्चन होचि बले कॉस अल्फा माने होचि एल तो एक केस रे में कोन पाई जेबी देन वी गेट माइनस एल माइनस एम माइनस एल बुझे बुझे ना बले तो ये कहला एठ हमरा एलिमेंट कोन अछि गोटे हमरा डिरेक्शन क्वेश्चन ओले में लिखि छबे लेटा हला तो एबे कहला जे बैकवर्ड नै जेबो तो से के छै कोन हो माइनस एल माइनस एम माइनस एन बोले आउट डिरेक्शन क्वेश्चन बाहर हो गेले हला आपको जे सैटिस्फाई करिवो से जो एलिमेंट ए बी सी रहला से भी कोन पेलियो हमरा डी आर एस बी ही पेलियो ठीक अछि ना ये होछि बेसिक कांसेप्ट कहा परे डीसीएस आउट डीआरएस ऊपर एबे कहला किछि कम पार्ट हम पढले बले वेक्टर रे जे प्रॉपर्टी गोटे दिरा खाली पढथिले इथि बहुत प्रॉपर्टी जगह छिले 1 बाय 1 बुझिबा देखो कौन मन रखुले सपोज कह लाइन टाइम ड्र कल भाभी दि लाइन टाइम ड्र कले इफ भाभी दि कौन कह मझे गोटे ओरिजिन नहीं है ये हूँ ओ ए ये हूँ ओ बी ये ओ ए है ये ओ बी है बुझ गला पॉइंट वन से कौन इफ ओ ए एंड ओ बी आर को इनसीडेंट देख बोले ओ ए ठीक अच्छे ना वो बी कौन ला आप रही रही गला पहले को इंसिडेंट हला तो इस पॉइंट लोग चुरे थे इफ वो ए वेक्टर एंड वो बी वेक्टर आर को इंसिडेंट हला दें सेकंड का कौन होगा पहले सेकंड से ही जो एंगल बिटवीन देम कौन आ चुका जीरो आ चुका ये कौन बांग रहा एंगल बिटवीन देम मस्ट बी कौन बैठा हमारा जीरो आ चुका थीटा इक्वल टू जीरो होती होगी जरा पुरसी बोला अबे आपरे ओवरलैप ही अच्छी तो एंगल मस्ट बी जीरो आसीबो पॉइंट नंबर 2 प्ले इफ वो ए वेक्टर एंड वो बी वेक्टर आर इन ऑपोजिट सपोज कह लगे हमर ऑपोजिट हे गेला प्ले कोन देखो वो ए अपर अच्छी प्ले हमर वो बी डायपर हला तो ए भीतर जो एंगल दा आसीबो ना से मस्ट बी कोन हो प्ले 180 आसीबो देन थीटा कोन आसीबो हमर 180 डिग्री आसीबो ठीक अछि पॉइंट नंबर 3 को जे पले हला इफ ओ ए एंड ओ बी आर नॉन कोलिनियर रेस हला यदि नॉन कोलिनियर रहला देन तब जे किसी एंगल क्रिएट ही परियो ये छ ना इफ ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर ओके वेक्टर देन जो एंगल टा आसी वो थीटा से कौन लिख परबा एंगल हो जे पले ए ओ बी बोले हम इठी कह पर ए बे बहुत सारी प्रॉपर्टी जगह अछि बेसिक प्रॉपर्टी फर्स्ट मो स्टार्टिंग बोले हला ता पर जो ऑपरेशन कौन अछि आउट नोट लिखियो हम एसमिति कौन आ मन रखियो बे थीटा जो वैल्यू अछि से सबले कह हेतिबो इन बिटवीन हेतिबो दैट नोट डाकर मन रखबे एटा नोट आकर मन रख परबो हला कौन थीटा वैल्यू सबले कह हेतिबो इन बिटवीन 0 टू पाई भीतर रहतो बोले बिकॉज़ इरा उडे इंक्लिनेशन ना तब जो कौन हेतिबो 0 टू पाई भीतर इन बिलोंग करतो ठीक अछि अच्छा आ गोटे बेसिक प्रॉपर्टी कौन देखो बोले तो जानचे भला बे हम जो डीसीएस बाय थिला तार प्रॉपर्टी हम लिखिथिले बे कौन थिला l² + m² + n² इक्वल टू हमें 1 गोटे थिला बोले आ कमे थ्योरी क्लासेस शो भी करछे बोले प्रूव भी ही है जे हमरो एन दो नोट मन रखो बोले नोट नंबर 3 मन रखो जदी कहला बे x y आ z दिछि हला तो से केस रे कोन होबो एठे हमें x इक्वल टू वैल्यू फाइंड करबा इन टर्म्स ऑफ l m आउ n रे बले हला एके से मन रखो x इक्वल टू हे परबो l r y इक्वल टू हे परबो m r z इक्वल टू हे परबो बले n r एला मन रखो फार्मूला आकर मन रखो बले x इक्वल टू होची l r y इक्वल टू m r z इक्वल टू होची n r बले आ प्रूफ भी हमें करि छ बले थ्योरी क्लास रे ठीक अछि आ प्रूफ जा को नि बले थ्योरी प्रूफ कल त बेसी लंबा हे जीवो खाल नोट पॉइंट आ की पॉइंट आ मन रखो फॉलो करिए क्वेश्चन से करिबा तो एती कोन गला बेसिक प्रॉपर्टी का आपरे गला बले हमरो डीसीएस ऊपर गला एबे देखियो डीआरएस रे प्रॉपर्टी हम कोन कोछ डीआरएस रे भी सेम प्रॉपर्टी जगह बले हला कोन देखो होची
जेमिति ए जे प्रॉपर्टी मन रखबले जे ए कंडीशन टू सैटिस्फाई करिवो एल बाय ए बा ए बाय एल इक्वल टू बी बाय एम इक्वल टू सी बाय एन हेतिबो फर्स्ट ए कंडीशन मन रखो डीआरएस रो प्रॉपर्टी रे हमरो हला नेक्स्ट कोन देखो बले सपोज जरी कहला गोटे वैल्यू हमरो जीरो हे गेला हला से केस रे हम अदर टू वैल्यू एग्जिस्ट करथुबो भाबि जो ए जीरो हला माने बी सी एग्जिस्ट करथुबो बी जीरो हला माने ए सी एग्जिस्ट करथुबो बेसिक प्रॉपर्टी जगह से बले प्रॉब्लम किछ नै आउ किछ नॉट पॉइंट मन रखिया बले कोन देखो Not four, भावी दियो। The case of DCS and DRS being zero does not arise। सब DCS DRS ABC are line, ABC of a line are also written as ABC। भावी दियो मन रख पिले DCS can be written as DRS पिले डीसीएस कोन हे पिरियो हमर डीआरएस हे पिरियो बले काहे कि देखो भाभी दे हमर डीसीएस वैल्यू होची 111 होची बा 222 होची बले बा 234 तब जहां भी दे प्रॉब्लम कुछ नहीं यदि मो डीआरएस भी 234 नहीं गेली तो सी भी कोन होबा हमरो ये रेशियो को सैटिस्फाई करिवो ना यदि सैटिस्फाई कला माने हम कहि परबा ये कोन ताको सैटिस्फाई करछ बले माने कोन कहियो हमें तब बुझ दे भाभी दियो सपोज l = 2 नहीं गेली m = 3 नहीं गेली n = 4 नहीं गेली तो मु लेखि परि भी l / a इक्वल टू मते कोन दका छि m / b इक्वल टू n / c दका छि ना सपोज मै केस रे a इक्वल टू 2 नै गेली b इक्वल टू 3 नै गेली n इक्वल टू c इक्वल टू बिले 4 नै गेली तो कोन आसी हो को 2/2 हां गेने पे इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 4/4 तो सब कैंसिल हले कोन आसी 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 आसी नै बिले त हले कोन हो छि dcs आउ drs हमर सेम हे परिबो lmn इक्वल हमें abc लेखि परि जाबे ई गो पॉइंट मन रखिबो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल लाइंस आर प्रोपोर्शनल जानिचो बोला बेरा आगु दिन सम मन रखो पले रिलेशन बिटवीन होची कोन हमरो डीसीएस एंड डीआरएस हला नोट नंबर 5 मन रखिबा कोन एल इक्वल में लिखि परिबा ए बाय प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सिमिलरली बोले एम इक्वल टू कोन होबा बी बाय प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा n इक्वल लिख लिया पहले c बाय प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर देखो पहले एठी abc होची कोन डायरेक्शन रेशियोटा एंड एलिमेंट कोन एठी हमरा डायरेक्शन कोसाइन पहले आ गेल हमें को कन्वर्ट कर पेली पहले एति कहला किछि बेसिक जिंस सोला पहले आउर से मन रखो एडी प्लस माइनस हम काहे होचे बिकॉज वैल्यू हमर दिरा आसु एलिमेंट रे आसु कोन हमर माइनस l माइनस m माइनस n आसु ना तो से अपन दिरा वैल्यू आसु हमरो ताम से लिख लेबे एति कहला बेसिक कांसेप्ट पहले फर्स्ट नोट कर दे एति की आउ किछ थ्योरी पार्ट अछि पिला पर हम देखिबा ठीक अछि ना जदि के कॉपी कर दउ छ फर्स्ट के कॉपी कर देबले पॉज करी के ओके देखो बेले आउ किछ पॉइंट भी अछि यार हला देखिबा ता पर आरो क्वेश्चन से देखि पिले कुडा इंपोर्टेंट अछि कुडा देख बुझ देबा तब नेक्स्ट टॉपिक जुबा पिला पहला बले डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स बले हला देखो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आमे कोन हला डायरेक्शन रेशियो हम काढी परबा एला होछ कोन टू पॉइंट भाबी दियो मतलब लाइन दे छि बले दिरा पॉइंट हम गिवन होछ फर्स्ट पॉइंट होछ x1 y1 z1 एंड सेकंड टू डा होछ हमरो x2 y2 z2 सपोज दे देला हला तो दि भाबी दियो ए होछ ए पॉइंट ए बी पॉइंट हला हा त माने टू पॉइंट जे हम गिवन होछ टू पॉइंट जे हम कि बले गिवन रहिले डायरेक्शन हम कोन दका छि रेशियो दका छि तो डीआरएस हला मन रख पले फार्मूला कोन हो ये हो छि x2 - x1 y2 - y1 z2 - हो छि z1 बेला हला x2 - x1 y2 - y1 और हो छि कोन हमरो z2 - z1 के बेरिया पले हमें देखोला डीआरएस हम फाइंड करले फ्रॉम टू पॉइंट ओके देन देखो कम कोन पले एंगल बिटवीन हो छि टू लाइंस और पले पॉइंट हला एंगल बिटवीन टू लाइन देखो पहले कोनो एंगल बिटवीन टू लाइंस ओके तो कोन देखा भीतर अछि ए टू पॉइंट गिवन पॉइंट ला मन देखो पहले एंगल बिटवीन जे मु देला डाइट मु पके पड़छु पहले कोन देखो cos थे हम डाइट पके दे पहले पहले इक्वल टू होछि l1 l2 + m1 m2 + होछि n1 n2 पहले और
ये कौन है हमारा डीसीएस फॉर्मेट रे लिखले बेला को जो हमको डीआरएस फॉर्मेट रे दका अछि तो कॉस्ट रा इक्वल टू होची ए1 ए2 प्लस बी1 बी2 प्लस सी1 सी2 बाय रूट ओवर ऑफ ए1 स्क्वायर प्लस बी1 स्क्वायर प्लस सी1 स्क्वायर रूट ओवर ऑफ पले ए2 स्क्वायर प्लस बी2 स्क्वायर प्लस सी2 स्क्वायर एंद्रा फार्मूला भरा मन रखियो पले रे डीसीएस देले फार्मूला पकेबा बाय रे डीआरएस दिस माने फार्मूला में अप्लाई कर पेबा ए कैसे भी दीरा वैल्यू आसु हमरा प्लस बे आसु माइनस बे आसु ओके ठीक अछि ना दीरा फार्मूला भला में नोट करथियो बले एटा आउ सेकंड थिंग होछ पहिले जरे ए एंगल भीतर कहला इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर दैट मींस कहला पहिले थीटा इक्वल टू इजबो पाई बाय 2 ना थीटा पाई बाय 2 माने कोन पहिले cos थीटा इक्वल टू 0 हि जइबो जदि cos थीटा 0 हे गेला माने मु कोन लिख पेली बी देयरफॉर L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to zero ही पड़ी वो और बोले फिर देखो पहले एक ऐसे कौन ये भी जीरो है जी बना that means कौन लिखे भी A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to so zero ही पड़ी हो गया है ना तो ये है लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ पर बोले एंगल ऑफ परे ठीक हो चुका ना नेक्स्ट देखा हम कौन करेंगे वहाँ परे क्वेश्चन वाला सपोज कौन ला इफ टू लाइंस आर पैरेलल हला यदि पैरेलल हे गला तो से केसे कोन आछबो जने छ भला भाबी दे बोले सपोज लाइन 1 रो डीआरएस टा होछ हमरो ए1 बी1 सी1 ओके एंड ए2 बी2 सी2 बी द डीआरएस ऑफ होछ हमरो सपोज लाइन 2 देन हमें जानि छ भला बे पैरेलल रो कंडीशन होछ बोले रेशियो जको सेम आछबो देन हमें कोन लिखबे देखो इठे में ए1 बाय ए2 इक्वल टू B1 by B2 equal to C1 by C2 पे ए कंडीशन ही हमरा सैटिस्फाई करिवो ठीक अछि ना बिले ओके तो ये हला कोन हमरा पैरेलल कंडीशन हे गेला इट मींस नॉट करते बिले भला आबे ओके नेक्स्ट देखो हला इंक्लिनेशन बिटवीन होची टू लाइंस ओके नेक्स्ट पॉइंट होची हमरा बिले इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस देखो बिले कोन कहूची हमको एंगल दे फाइंड करिया पले लाइन दे भीतर ठीक हो छ हला तो कोन देखो सपोज हम पे लाइन दे आछ पले माबे जो लाइन इंटर छ पले आ एंगल लगा आछ ठीक हो छ ना पले तो कोन दे देखो इफ L1 L2 आर पैरेलल और कोइंसिडेंट देन इंक्लिनेशन बिटवीन देम इज जीरो सपोज जे कहला पैरेलल हे गला हला से केस रे अदर देखो भाबे जे पले एरे को छ हमरो ये हो छ L1 ये हो छ L2 देन बोथ द केस रे कोन हो पॉइंट ऑन से हो छी इंक्लिनेशन ओके इज जीरो ठीक हो छ ना पॉइंट नंबर 2 कोन को छ पहिले इफ L1 L2 आर इंटरसेक्टिंग और स्क्यू लाइन सपोज रे कोन ला स्क्यू लाइन हे गेला बा इंटरसेक्ट करू छन सो से केस रे कोन आसीबो एंगल बिटवीन देम एंगल ता भीतर जहा थिबो से हो छ पहिले आ भीतर इंक्लिनेशन आसीबो तो इठी कोन हो हमर इंक्लिनेशन इज इक्वल टू होची कोन एंगल बिटवीन टू लाइन ब्ले एदरा हमर कोन आसीबो सेम आसीबो ठीक अछि ना येला बेसिक हमरो नेक्स्ट होची कोन देखो पहिले लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट हला भाबे देखो देखो हमको नेक्स्ट पॉइंट दला लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ओके प्रोजेक्शन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए लाइन ठीक अछि ना पले ओके तो कोन लेख पले भाबी दियो सपोज म पै कोन अछि ये होछि लाइन सेगमेंट आछि बहुत तो ऑलरेडी दिछ पले हमको ता अनुसार म ड्रा कर दु छि बेटर हबो ये होछि लाइन हम भाबी दियो एठा म लाइन टुड आछि पले ओके ना जदी ये ए बी लाइन हला हमरो हला पले तो एक ऐसे ये जो एंगल टा सी होची थीटा पे ऑलरेडी बॉयड दे छला सेम डायग्राम हम से कोई दुजु ने बेटर तुम का आईडिया हबो ये एंगल टा हमरो 90 डिग्री होची सपोज ये ई भाबी दियो ए बी सी डी सपोज ये ई पॉइंट अच्छा हमरो एटा कुछ ड्रा ही गछ ब्लेड हमरो हला जदी ए टाइप रहला एसे पछला कोन देखबे ए बी होची लाइन सेगमेंट एल होची कोन हमरो लाइन के ता पर से पछला हला देन जो लेंथ दका अछि का दका अछि बले ए बी लाइन सेगमेंट रो ऑन एल रे दका आछ पे हला लेंथ दका आछ तो से केस रे पण रखबले फार्मूला कोन हबो ए बी कॉस थीटा काट दबले एति खाली मन रखो
लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन होछि पले ए बी कॉस थीटा जहार तुम लाइन काढुछ तार लेंथ इनटू कॉस थीटा कर दे आंसर पड़ास छ ठीक अछि ना ए होछि लेंथ पड़ास छ इठ हमरो लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन होछि एल पले ठीक अछि एति ग्राफ दरकार नै छि एति गोजे मन रख ए बी कॉस थीटा ठीक अछि नेक्स्ट देखो हमला पले इफ ए बी इज पैरेलल टू एल से नोट लिखि बैठे हमें इफ ए बी पैरेलल टू होछि पले एल जदि पैरेलल हे गेला तो से केसे कोन हबो थीटा इक्वल टू 0 हि जइबो ना देन थीटा इक्वल टू कोन हि जइबो 0 हि जइबो तो थीटा जदि 0 हे गेला तो ए केसे कोन हबो लेंथ ऑफ साइन जसे बोले ए बी कॉस नै आसीबो मिलथि ले कॉस 0 पड़ जइबो एठा हमरा हला तो ए बी लेंथ पड़ आसीबो ठीक अछि अच्छा सपोज जदि कहला पले इफ नेक्स्ट पॉइंट होछि इफ ए बी परपेंडिकुलर टू होछि एल हे गेला देन से केसे कोन बांच होला बे थीटा इक्वल टू कोन हि जइबो 90 डिग्री जइबो ना 90 माने कोन बोले कॉस 90 भेल कोन हि जइबो 0 हि जइबो देन ए केसे कोन आसी भेल कि हमरो लेंथ रो वैल्यू 0 पड़ आसीबो ठीक अछि ओके तो परपेंडिकुलर हले केसे 0 आसुछि पैरेलल केसे पे आंसर कोन आसी हमर ए बी आसुछि बे एदरा पर मन रखतो बिट क्वेश्चन आस पाले ओके ना एति थियो सला पले और टिके थ्योरी अछि फर्स्ट में नोट कर जाउ जे प्ले हला तब टिके थ्योरी दे देबा ओके अब छि नोट कर देथियो बले पॉज करिके देखो ले लास्ट थ्योरी कौन देखो अच्छी एटी से क्वेश्चन रे आपसे पहले प्रोजेक्शन वैल्यू पर आछे सब हम कोन दिरा पॉइंट की फेन अच्छे ला तो एकदम इंपोर्टेंट नोट आउट मन रखता बलेरा एंड बिट क्वेश्चन भी पढ़ा छु टाइम रो कोन सपोज भाबे दियो लेंथ ऑफ द प्रश्न हम पचारीबो से लेंथ ऑफ पचारीबो प्रोजेक्शन ऑफ ओजी पी क्यू ठीक अछि जॉइनिंग द पॉइंट्स पॉइंट्स कौन दी छी एक्स वन कमा वाई वन कमा जेड वन एंड एक्स टू कमा वाई टू कमा जेड टू ठीक अच्छे एंड एल विथ डिरेक्शन कोसाइन मु दी छी बोले एंड द लाइन एल विथ बीसीएस मु दी छी बोले क दी छी एल कमा एम कमा एन दला हला देन ए केस रे मन रखो जो हमरो गिवन हो लेंथ रे अपने लेंथ रे राइट फार्मूला मन रखियो एठी एल इनटू होची एक्स2 माइनस एक्स1 एम इनटू होची वाई2 माइनस वाई1 एन इनटू होची जेड2 माइनस जेड1 आरो लेंथ जदी काढ दबा जो वैल्यू आछो से वैल्यू आउट कइ जाबे हमरो लेंथ ऑफ द प्रिज्म पर आछो बोले ए इंपोर्टेंट फार्मूला रे मन रखो हमें क्वेश्चन रे एयर करियो पले आइला आछो एति आंसर होला पले कोन हमरो बेसिक कांसेप्ट कहा परे बले एक्सरसाइज 13 रो ए विषय के कहले बले दानी डीसीएस आउ डीएस ऑफ रहला नेक्स्ट प्लेन अछि लाइन अछि ता बिषय डिस्कस करिया बले ठीक अछि ना एबे क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन कोन आछि शॉर्ट नोट कोन आछि सब बुझी अपने ठीक है मन रखो आ भीतर आउंडर आछि बले एक्सरसाइज होछि कोन ठा हमरो 13 रो ए आछि आ भीतर हला एठी जे हम एग्जांपल ऊपर फर्स्ट हम देखिबा तो एग्जांपल रे मन रखो बले हला एग्जांपल रे तमो क्वेश्चन रे क्वेश्चन नंबर 2 पे एग्जांपल देखो सब जगह क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट पे डिसेस क्लियर से करो हला एग्जांपल नंबर 2 गोटे 4 गोटे नेक्स्ट आउट से पे 2 4 और 6 पे ये तीनटा तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन पे पड़ा आछी ठीक है सर पे अब बाकी जो रहला 1 3 5 और 7 ने 5 इन द पे ये तीन तुम्हारा शॉर्ट रे अंडर पास मन रख एकदम लॉन्ग रे आछी एकदम शॉर्ट रे आछी पे आउ जदि भितर पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन देखिबा प्ले मन रख क्वेश्चन नंबर 6 गोटे बेसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 7 इंपोर्टेंट बे 6 7 8 देखतो हम बोला बे लॉन्ग क्वेश्चन पर देखिबो तो 6 नंबर क्वेश्चन गोटे 7 आउ 8 बे एदर हम लॉन्ग क्वेश्चन पर आसीबो बाकी तमो जहा बिच तमो शॉर्ट नोट पर आसीबो रेस्ट क्वेश्चन दा इरा म कहा पई कोउछ प्ले एक्सरसाइज 13 रो ए पई कोउछ सब जगह क्वेश्चन लिटरली एच बिल ऑलरेडी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई वाटर लिंक भी पाई जो प्रॉब्लम कुछ नहीं जो ऊपर आप डिस्कस करनी किसी कल थी पार्ट जो लिंक ठीक अच्छे ना बोले ये तुम लॉन्ग क्वेश्चन आसी ये तुम लॉन्ग क्वेश्चन ना बोले बाकी तुम शॉर्ट नोट पर आसो बाकी तो बिट क्वेश्चन अच्छे ठीक अच्छे ना और आज तो कौन लगे फर्स्ट पार्ट पूरा आइडिया हो गया बोले एवं देखा सेकेंड पार्ट टाइम सेकेंड पार्ट इंपोर्टेंट वन ये भी बोले कौन आम प्लेन ठीक अच्छे
ठीक अच्छे ना पे देख प्लेन अंडर कौन कौन अच्छे फर्स्ट हूँ इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन बोले जब आम वेक्टर फॉर्म देखा तो वेक्टर फॉर्म टा होगी आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू हूँ पे पी है ये कौन लाच बोले देख डायग्राम टी फर्स्ट राइट साइड शो भी ये गोटे प्लेन टे अच्छी परपेंडिकुलर टाइप किसी ड्र होती पे देन ए केस देखा ये हूँ पे पी एन कैप जैसे परपेंडिकुलर वेक्टर टाइटा एन रही पी रहा ये हूँ पे आर वेक्टर आमर है देन ए केस कौन लिखिपर फॉर्मूला हूँ पे आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू पी आस ये हूँ कौन वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कहला मन गला कहवा वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन ये फर्स्ट आम रहा पे ठीक अच्छे एवं देखिए आर कौन हो पे आमर ट्रांसफर्म जो करवा ट्रांसफर्म करवा कौ फर्माट को पे कार्टेशियन फर्माट को देन देख इक्वेशन कौन आमर कार्टेशियन फर्म टा भी लिखा आम ये कार्टेशियन फर्म अफ हूँ प्लेन प्लेन रखा तुमको पचार पे इक्वेशन अफ प्लेन पचार डिस्टेंस पचार पारे डिस्टेंस बेस इंपोर्टेंट बोले आप देखिए सीटा भी है सी पचार पारे पे तो कौन देख गोटे प्लेन आम ड्र कले कि भाई दिवे ये कौन ला नर्माल तार डीसीएस आम देखे डीसीएस आम डीएस दे पारे प्रोब्लम किसी देवे ना से आम कौन दे एल एम एन देखिए एल एम आउ एन देखिए लाइन आप देखिए गोटे एनी पॉइंट देखिए गोटे फिक्स्ड पॉइंट से हूँ एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो हूँ एन फिक्स्ड पॉइंटा ये हूँ कौन आम एक्स कमा वाई कमा जेड हूँ गोटे एनी पॉइंट द्वारा प्लेन पे तो से केस इक्वेशन ऑफ जो लाइन देखा आम सरी इक्वेशन ऑफ प्लेन जो देखा पे फॉर्मूला एल इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट एम इंटू वाई माइनस वाई नॉट एन इंटू जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू जीरो पे ठीक अच्छे ना आज जब कहला आम पाए ए बी सी देखे पे ए बी सी मैंने कौन ये डीआरएस देदेला और आम लिखिपर लिखा ए इंटू हूँ एक्स माइनस एक्स नॉट बी इंटू हूँ वाई माइनस वाई नॉट सी इंटू हूँ बोले जेड माइनस हूँ जेड नॉट इक्वल टू जीरो बोले ये भी गोटे इक्वेशन ये भी गोटे इक्वेशन बोले बहुत हार हूँ कौन इक्वेशन ऑफ प्लेन है यहाँ हूँ कौन एलेवेन आकार एलेवेन मीन कौन पे डीसीएस आउ डीएस कौन आम ए बी सी आकार फॉर्मूला सेम ये कार्टेशियन फॉर्म ये हूँ वेक्टर फॉर्म टा बोले दीटा मन रख तुम क्वेश्चन आंसर कर सुविधा हो पे ठीक अच्छे नेक्स्ट रहा कौन देख पे जनरल फॉर्म टा कौन कहूँ जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन कौन देख पे मन रख एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म टा डायरेक्ट मन रख पड़ कि ना बेटा है ना देख मेनली क्वेश्चन देख यू कौन आसमर जेनेल फर्म तो पचार पे सी आमको आठ मन रख जो जेनेल फर्म टा रहा पे ये जो ए रहा बी रहा आ सी रहा बोले ये ए बी सी कौन एक्चुअली आमर डीसीएस ऑफ द नॉर्मल कह पे नॉर्मल टू द प्लेन ये प्लेन को जो डीसीएस होती पे सी भैल्यूटा हूँ ए बी सी कह पे ठीक अच्छे ना डीएस आकार भी रही पारे प्रोब्लम किसी नहीं बोले ये जिस बेसिक रहा नेक्स्ट देख कौन आसो इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ हूँ प्लेन कौन देख पे अच्छे ये थ्रो हूँ थ्री गिवन पॉइंट्स थ्रो ओके थ्री गिवन पॉइंट्स सपोज आप कौन अच्छे तीन टा पॉइंट गिवेन अच्छे पे से केस इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन हम डायरेक्ट मन रख पे यहाँ एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो तुम आपको डायरेक्ट सल्व कर पे जहाँ तुम अवेलेबल है सी हूँ तुम कहे इक्वेशन प्लेन को आस मन रखे कौ कैसे बोले जो तीन टा पॉइंट गिवन है गोटे प्लेन देन से केस इक्वेशन लिखिपर आउट भी अच्छे कौन देख आमर इंटरसेप्ट फॉर्म भी हम कहीपर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ हूँ प्लेन कौन देख पे अच्छे ये अच्छे एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू वन बोले एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू वन ये हूँ कौन आमर इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म डबल ठीक अच्छे ना अच्छा नेक्स्ट आस देख पे एंगल बिटवीन हूँ टू प्लेन
अच्छा जदि किए चाहूँ पे फास्ट नोट कर दियो प्लेन ये तो मतलब फास्ट डिशेस टेस्ट रहा ये प्लेन पे देन आर थ्योरी बाकी पार्ट सरद ठीक अच्छे आई होप तुम नोट कर दी बोले देख किसी ना आमर वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म अच्छी दुटा फॉर्मेट रहा जनरल इक्वेशन रहा ये एबीसी हूँ नॉर्मल डीएल डिशेस डीएलएस टाइम तीन टा पॉइंट गिवन थे ये हूँ फॉर्मूला ये हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म टा बोले ये नोट कल कौन रहा एंगल बिटवीन हो टू प्लेन सपोज आप प्लेन रहा तो एंगल पचारा बोले एंगल बिटवीन टू प्लेन तो कौन देख पे डायरेक्टली हूँ फॉर्मूला फॉर्मूला हूँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू हूँ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बाय प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर रूट ओवर ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर ये हूँ कौन आम एंगल बिटवीन हूँ टू प्लेन कहे ये भी कौन अच्छे किसी कंडीशन भी अच्छे बोले है भाभी दे नोट दे लिखा आम ये नोट लिखे बेटर हम बोला टी नोट मन रखा ये बेटर हम इफ टू प्लेन्स भाभी दे प्लेन कौन कल मुझे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो दुटा इक्वेशन मुझे चूज करदेली है जदि कहला दिस टू प्लेन सार भाभी दे ये प्लेन वन ये प्लेन टू नहीं इफ प्लेन वन पैरेलल विथ कौन अच्छे प्लेन टू अच्छे से कैसे कौन है ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू हो जदि पैरेलल रहा जदि इनक्लिनेशन रहा इनक्लाइन रहा तो से कैसे कौन पे डी वन बाई डी टू भी इक्वल टू जीव ये मन रख पे आम है पैरेलल रहा से कैसे एम आसमें ये मन रख इनक्लाइन इक्वल टू आसो यहाँ इफ पी वन हूँ कौन पेपेडिकुला टू हूँ पी टू भी से कैसे कौन हम ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो पड़ा आसो है बेसिक कनसेप्ट अलग देखते बेले नेक्स्ट कौन देखे कौन आइडेंटिकल पर आसला इफ आइडेंटिकल नोट जगह मन रख पे कहीं बारंबार क्वेश्चन भी आसा ए वन बै ए टू इज इक्वल टू बी वन बै बी टू इज इक्वल टू सी वन बै सी टू इज इक्वल टू डी वन बै डी टू पर आसो आपको कह आइडेंटिकल हो पार इनक्लिनेशन भी कहीं पार इनक्लाइन भी कहीं इनक्लिनेशन ना इनक्लाइन भी पार बहुत किसी से आसो ठीक अच्छे ना नेक्स्ट रहा कौन देख पे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन हूँ कौन आम नॉर्मल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म आम देखा बोले जहाँकि कौन इक्वेशन ऑफ प्लेन देखा मन रख फॉर्मेटा कौन अच्छी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी प्ले ये पी कौन मन रख जब देखा बोले देख ये हूँ प्लेन नाम भाव आम है ये जो ओरिजिन रहा ना बोले ओरिजिन रू ये जो प्लेन रहा तार डिस्टेंसटा हूँ कौन आम पी बोली कह तो से कैसे नॉर्मल फॉर्म कह फॉर्मूला हूँ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी प्ले ठीक अच्छे नेक्स्ट रहा कौन देख ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम जनरल टू नॉर्मल जनरल फॉर्म टू नवा फॉर्म ट्रांसफॉर्म करिया बे तो डायरेक्टली यूज फॉर्मूला मन रख पे ए बाय प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी बाय प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस सी बाय प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड प्लस माइनस डी मन रख बोले है माइनस डी आगे मन रख बा प्लस करदे बेटर हम प्लस और माइनस होगा रूट ओवर ऑफ हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो रख पे मन रख तुम्हें ट्राए कर डी रखे पॉजिटिव आस डी जदि पॉजिटिव तुम्हें ट्राए कर पारे तो से केस कौन हम तुम भैल्यू ता अनुसार जब पॉजिटिव है मैंने ये पॉजिटिव नाव नेगेटिव है नेगेटिव नाव ठीक अच्छे ना तो डिपेंड कर लास्ट भैल्यू पर तुमको प्लस नाव माइनस नाव इक्वेशन तुम भाई पड़ा ठीक अच्छे ना बोले बेस इंपोर्टेंट
मन रखे। नेक्स्ट आम देखा सिस्टम ऑफ प्लेन सिस्टम ऑफ प्लेन कौन देख सपोज आप दिटा प्लेन रहा है इक्वेशन वन इक्वेशन टू देला तो सिस्टम ऑफ प्लेन देखिए प्लेन प्लेन जाक मेनी पॉइंट प्लेन कौन आ गए पॉइंट देखिए पास कर गोटे लाइन देखिए पास कला तो से कैसे आसोर सिस्टम ऑफ प्लेन आसो मन रख प्ले फर्स्ट प्लेन प्लस लामड़ा इंटू कौन हो प्लेन नंबर टू प्ले इक्वल टू जीरो आसो फर्स्ट प्लेन इक्वेशन प्लस कौन हम प्ले लामड़ा इंटू हूँ सेकंड प्लेन इक्वेशन ये हूँ कौन कह रहा सिस्टम ऑफ प्लेन आकार आपको नहीं क्वेश्चन भी आस क्वेश्चन कहीपर अलरेडी सब क्वेश्चन भी आम कर ठीक अच्छे ना आर बेस इंपोर्टेंट हूँ कौन देख पे मंडप यहाँ डिस्टेंस प्राय क्वेश्चन आस सर्टन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन गोटे पॉइंट टू गोटे प्लेन डिस्टेंस रहा पचारे है भाभी मो पाखे पॉइंट गिवेन अच्छी गोटे प्लेन गिवेन अच्छे बोले है आर डिस्टेंस से पचार अभी देखिए डिस्टेंसटा के कौन मन रखे जब प्लेन टाइम हूँ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो ये हूँ एक्स जीरो कमा वाई जीरो कमा जेड जीरो जेड नट होगा देन डिस्टेंस इक्वल टू हूँ एक्स नट प्लस बी वाई नट प्लस सी जेड नट बाय रूट ओवर ऑफ प्लस डी रहा बोले ये हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हूँ कौन डिस्टेंस बिटवीन हूँ पॉइंट एंड लाइन प्ले प्लेन है पॉइंट एंड डिस्टेंस हूँ ठीक अच्छे ना आ भितर पे आउ गए पॉइंट भी अच्छे कौन आम फर्स्ट में कॉपी कर दे जो कॉपी करना फर्स्ट कॉपी कर इंपोर्टेंट पॉइंट जहाँ कहूँ पे है ये एंगल बाहर नेक्स्ट नोट मन रख पे पैरल हेल्ले कौन हम पैपेटिकुला कौन हम आइडेंटिकल हेल्ले कौन हम नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म कौन अच्छी ट्रांसफॉर्म कले कौन आसा मन रखे डी पॉइंट पर डिपेंड कर सिस्टम ऑफ प्लेन किमित रहा प्ले फर्स्ट प्लेन इक्वेशन प्लस लामड़ा इंटू सेकंड प्लेन इक्वेशन रहा है इक्वल टू जीरो रहा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन प्लेन प्ले ये हम इक्वेशन रहा जे कौन फर्स्ट कॉपी कर देखे पोज करके आ गोटे थी रहा पे कौन आम बाइसेक्टिंग जब कला जो बाइसेक्टर आम देखा बोले बाइसेक्टर इक्वेशन पचार पारे से है पचार पारे पे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्वेश्चन बारंबार आसूर गोटे यहाँ फॉर्म आगे कंपलसरी बोले मन रखता है पल आस वर्ष 100% कहीं बोले भावुच्छे 92% तुम पल आस पारे क्वेश्चन टाइम ठीक अच्छे ना तो कौन मन रख पे नेक्स्ट पॉइंट हूँ कौन इक्वेशन ऑफ हूँ बाइसेक्टर इक्वेशन ऑफ हूँ प्ले बाइसेक्टर मन रख कौन यहाँ एंगल बिटवीन टू लाइन रहा है मन रख इक्वेशन मन रख तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन बाय रूट ओवर ऑफ हूँ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इक्वल टू प्लस और माइनस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू बाय ये तो भले अच्छे रूट ओवर ऑफ आसो ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर ये हूँ कौन पे गोटे प्लेन जब कौन ला गोटे प्लेन देख भाभी दिव प्ले मो पाए कौन अच्छी ये प्लेन मो पाए अलरेडी अच्छे बोले भाभी दिव एरा अच्छी प्लेन दिरा मो पाए अच्छे बोले है आर जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन रहा ता दिखे गोटे प्लेन ट्रक कला बोले बाइसेक्ट कला एंगल टाक तो से केस ये हूँ पे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कहवा दि जगह हो पारे पे एमती भी हो पारे प्लेन टाइम एमती रही पारे प्लेन टाइमी भी हो पारे बट डिफरेंट केस भी हो पारे तो दिटा इक्वेशन आसा है ये मन रखते पे एपी जिस रहा कौन थ्योरी पार्ट पे है देखिए थर्टन रे थर्टन रे तो होगा बी रे इंपोर्टेंट कौन अच्छे एक्जामपल कौन इंपोर्टेंट अच्छे बोले एक्जामपल देखा आम तीन टा पॉइंट इक्वेशन पड़ा बोले एक्जामपल नंबर सेवेन टा फोर मार्क आसपर है एक्जामपल नंबर हूँ सेवेन एट नेक्स्ट देख बोले नाइन बी ठीक अच्छे सेवेन एट नाइन इलेवेन है थर्टीन ए सब तुम प्ले सर्ट नोट्रे आस सर्ट क्वेश्चन आसो तुम्हें लंग क्वेश्चन पर देखा है लंग क्वेश्चन में देखा पे तो क्वेश्चन नंबर हूँ तुम कौन देख एक्जामपल नंबर कौन एक्जामपल नंबर हूँ टेन गोटे लंग क्वेश्चन आसपे पेपर पचार पारे बोले नेक्स्ट है ट्वेल्व गोटे आसपे बोले ठीक अच्छे ना ये क्वेश्चन आसपे नेक्स्ट इंपोर्टेंट हूँ पे कौन फोर्टीन ये तीन टा क्वेश्चन तुम कौन आप बाइसेक्टर देख मन रखे बाइसेक्टर ये फॉर्मूला बेस करके अच्छे है इंपोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पर आस फॉर्मूला पकड़े हो गया आंसर ठीक अच्छे आम ऑब्जर्व करवा एक्सरसाइज थर्टन रि आमको कौन दिखे
मनाकली 13 भी देखो अछि मेनली होछ बने जदि मे लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करबा ताहले आछि हमर कोन क्वेश्चन नंबर 7 देखो पला आबे 7th पर 8 नंबर क्वेश्चन हमर आछि गुटे जाकी इक्वेशन ऑफ एंगल बिटवीन पचार छि एला तोर 4 मार्क रे पढाछि एंगलटा हला शॉर्ट नोट रे तोर पढाछि इक्वेशन नंबर क्वेश्चन 8 टा गुटे हला बाकी क्वेश्चन तो अछि बले जाकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मे तकली कोछि एला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर देखो बले तब तुम आसो 9 नंबर रे पढाछि लॉन्ग क्वेश्चन रे बाकी 10 नंबर तमरो शॉर्ट नोट रेस पर प्ले ठीक अछि तापर हला 11 12 13 ए क्वेश्चन देखो कंबाइन लेस पर प्ले हला तो 11 रो तमा आरंभ करी कि बा 11 12 आरंभ करी कि अप टू मन रखबले 15 जाय सब तमर लॉन्ग क्वेश्चन भाबी कि चलो बले जो शॉर्ट नोट आइले इमिति कर दव प्रॉब्लम दिस बट एति नंबर बेस इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाव बले बाकी तमर बिट क्वेश्चन तो रहला बले प्रॉब्लम बेसी हबो हला ई हो समय एक्सरसाइज 13 बी रो क्वेश्चन देखो बले ठीक है शॉर्ट रे दियो 8 10 तमा प्राय शॉर्ट नोट ही आसीबे 7 रो आरंभ करी कि बाकी 15 सब तमरो लॉन्ग क्वेश्चन आस पारे अदरवाइज से शॉर्ट नोट लिख पारे बले काहे कि दुई मार्क डिफरेंस मे बी से शॉर्ट रे पके दे पारे डिपेंड छ कोइ बने ठीक अछि ना एबे देखियो अपन हमर लाइन देखि अपने लास्ट टॉपिक आरो देखो बहुत शॉर्ट रे कहू छ पले जदी हम डिटेल दरकार छ ऑलरेडी वीडियो हे छ देखि परियो प्रॉब्लम किछ नै हला कन्फ्यूज होनि पले सब जगह टॉपिक को भला कवर हे छ हला प्रॉब्लम किछ नै टाइम लागि छ बट कवर सब हे गेल छ पले ठीक अछि ना एबे देखो नेक्स्ट हला अपन हमर लाइन देखिबा लाइन रो मेन के इक्वेशन देखो बोले और सब इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंपलसरी है फर्स्ट टू मंडो दिए बोले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन फर्स्ट टू कोई दूसरे स्टार्टिंग कर लागू कोई दूसरी लॉन्ग क्वेश्चन गोटे कंपलसरी आसुची पार्ट टू पहले यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन लॉन्ग क्वेश्चन कंपलसरी आसुची सब वर्ष प्राय आसुची बोले तो पॉसिबिलिटी अच्छी मे बी ए क्वेश्चन नहीं आसपे से किसी नहीं बोले तो सी कहे पॉसिबिलिटी अच्छी लॉन्ग क्वेश्चन रोटे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन दिया ठीक अच्छे फर्स्ट देखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हमें कौन कौन चीज़ तकलीफ देवा पॉइंट वन हो चुका है कभी हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ हो ची लाइन ये है लापले आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लामड़ा बी वेक्टर वे मान लो कभी ले लाइन जो हमें ड्रॉ कर चुका ना आसपास पल्लल थी बस ये हो ची बी वेक्टर कहे बा ये हो चुका ना एनी वाले आर वेक्टर नहीं जो पहले जैकि पर्सन वेक्टर हम कोच रहे हो ये वाले फिक्स्ड पॉइंट रहे लापले ए वेक्टर देन से केस हम जो कहे लापले ए लाइन का इक्वेशन से काटिबो पहले ठीक अच्छे ना तेन से फर्मुला हो आर फैक्टर इक्वल टू ए फैक्टर प्लस लामड़ा इंटू हूँ बी फैक्टर बिकज आज पालाल अच्छे अनुसार लिखले लामड़ा बी फैक्टर ये हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन रहा फर्स्ट नाम रखने ठीक अच्छे जो दीटा पॉइंट गिवेन अच्छे तो से कैसे कौन हम ये बी वन बी माइनस ए भी हो पे प्रॉब्लम किसी नहीं ओके सेम जिन पे नेक्स्ट है कौन कार्टेशियन फॉर्म बेसी इंपोर्टेंट पे कौन ये कार्टेशियन फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म ऑफ हूँ लाइन पे ये हमारे दी जिन आस कार्टेशियन फॉर्म में गोटे सिमेट्रिक फॉर्म आसो और कौन आठ अनसिमेट्रिक फॉर्म ही आसो सिमेट्रिक फॉर्म कौन देख बोले सिमेट्रिक फॉर्म तो एक्चुअली हूँ आम पॉइंट देखिए पास कला मैंने कैसे लिखुच बोले एक्स माइनस एक्स वन बाई हूँ आमर ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी ये हूँ मेन आम सिमेट्रिक फॉर्म टा हला आउ डिफरेंट फॉर्म भी आर अछि बट ये मेन होछि कोन पिलाबो सिमेट्रिक फॉर्म कहबा नेक्स्ट कोन देख पिला हमर अनसिमेट्रिक फॉर्म जका को जे एक्चुअली अनसिमेट्रिक फॉर्म टा कोन जना पिले जे प्लेन रे इक्वेशन रे फाइंड हे छै ता काहे देख पिले जदी प्लेन हमर इमिति रहले ना हम जे इधर होछि प्लेन हमर ठीक अछि ना तो प्लेन मस्ट बी कोन होत लाइन ऑफ इंटरसेक्शन देखि पास करथु हला गोटे पॉइंट लाइन देखि मस्ट बी पास करथु हम जे प्लेन रे इक्वेशन कंबाइन लेखिबा ताले से कोन गोटे पिला हमको ए लाइन रो इक्वेशन को डिनोट करिवो तो से पे लिखा जाए सिमेट्रिक फॉर्मेटटा हला मन रो अनसिमेट्रिक फॉर्मेटटा पहिले मन रखैटा ए1 एक्स प्लस बी1 वाई प्लस सी1 जेड प्लस डी1 इक्वल टू 0 दिस इक्वल टू कोन आसी जन पहिले आ इक्वल लिख परिबा ए2 एक्स प्लस बी2 वाई प्लस सी2 जेड प्लस डी2 इक्वल टू 0 पले हला एक्चुअली एकरा कंबाइन करले से होछ कोन पले हमर अनसिमेट्रिक फॉर्म कहबा यदि एटा फॉर्मेट लिखिबा तले ये होछ कोन लिखि हम कहबा सिमेट्रिक फॉर्म कहबा पले इक्वेशन ऑफ लाइन पे बहुत सारे इक्वेशन ऑफ लाइन बट ये सिमेट्रिक फॉर्म ये होची अनसिमेट्रिक फॉर्म ये होची कोन प्लेवर वेक्टर फॉर्म टा दिरे पॉइंट ले बी माइनस ए आसी प्ले पॉइंट जाको नोट करथो पले इंपोर्टेंट पॉइंट जाको ओडे हैला नेक्स्ट पॉइंट लिखिया पले देखो हम नेक्स्ट होची कोन हमर 2 पॉइंट फॉर्म मन हमरे 2 पॉइंट फॉर्म देखो कोन अछि 2 पॉइंट फॉर्म टा बे हैला फुल फॉर्म फॉर होची पे x माइनस x1 रहला बाय होची कोन x2 माइनस x1 ठीक अछि पले एक्स माइनस एक्स वन बाई हूँ एक्स टू माइनस सब सेम पहले खाली ए बी सी वैल्यू पकड़ एक्स टू माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन बाई हूँ कौन वाई टू माइनस वाई वन सीमें कौन जेड माइनस जेड वाई कौन हम
z2 minus z1 हो गया ये हो जाएगा equation of line इन हो जाएगी two point form को आप लोगों ठीक हो चुना next देखो बोले कौन आज ची तो हम भाव से copy करते हैं बोले ये part at least चला ये part divide हो जाए नेक्स्ट टॉपिक पे कौन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होची अनसिमेट्रिक फॉर्म टू सिमेट्रिक फॉर्म ए फॉर्मर टू किमे सिमेट्रिक फॉर्म को कन्वर्ट करबा ऑलरेडी आप ओरे पिले इंपोर्टेंट क्वेश्चन रे एटा होलेला मन रखियो पिले ए क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ बेसी कोन अनसिमेट्रिक फॉर्म टू ट्रांसफॉर्मेशन ओके सिमेट्रिक फॉर्म पिले अनसिमेट्रिक रो सिमेट्रिक हमें किमेति करबा तापर क्वेश्चन कंपलसरी आस्ता हो जे और क्वेश्चन पिले हला ए क्वेश्चन देखि तो होला हबे शॉर्टेज सम बिटवीन टू लाइन रहला आ मन अपने हो ट्रांसफॉर्मेशन अनसिमेट्रिक फॉर्म टू सिमेट्रिक फॉर्म पे एरो डास्ट हो जे हमरो नेक्स्ट पे नोट अमन रखिबा कोन हमरो कंडीशन का पे पे फॉर ए लाइन लाई ऑन ए प्लेन एरो लाइन टा कोन ला प्लेन ऊपर रहला ताले कंडीशन तार कोन हो जे ओके दिरा कंडीशन मन रखियो करला ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी इक्वल टू 0 सेकंड होची पे ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी जेड नॉट प्लस डी इक्वल टू 0 बोले माने कोन भला मन रखो गुटे प्लेन हम पाए रहला लाइन टे रहला बोले लाइन टा ए प्लेन ऊपर अछि बोली कंडीशन कोन हवा पडिबो फर्स्ट थिंग होछ बोले जहा हमर पैरेलल थियो परपेंडिकुलर थियो बे कहा पर ए प्लेन ऊपर भाबि तो प्लेन टा होछ हमर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 हेगला आस जे परपेंडिकुलर थियो ना बोले से मस्ट बी कोन हमर लाइन से तो परपेंडिकुलर हबो ना त माने से केस ए कोन सर्वे करियो पडिबो कहीं ना आर केस कौन लग ले ए कमा बी कमा सी हुच कौन डीआरएस ऑफ हुच लाइन डा तो आर डीआरएस आर डीएस कौन पेपन कर थी प्ले टाइप रो तो मोस्ट पीस कंडीशन सर्व कर हो सेकंड ही हुच बोले ए केस कौन ही पारे लाइन टा हमरो बाहर भी रह पारे बोले आप नो लाइक करी कि से बाहर भी रह पारे तो से केस कौन आपरो कॉमन पॉइंट थी अपने आ भीतर बोले तो ए पॉइंट कॉमन पॉइंट हमें नहीं गेले से पॉइंट हुच एक्स नॉट कमा वाई नॉट कमा जेड नॉट बोले जदि एतिरे कंडीशन सैटिस्फाई करला त हम कहि परबा लाइन टा प्लेन ऊपर अछि परे इंपोर्टेंट पॉइंट टा आबरे क्वेश्चन आछि 4 मार्क पाइ बलेटा ए जो क्वेश्चन आछि कर हमरो 4 मार्क पाइ हमरो इंपोर्टेंट बले ठीक अछि ना हम रखो नेक्स्ट होछ कोन नाम जरा प्ले कंडीशन फॉर होछि टू लाइंस आर कोप्लानर नेक्स्ट पॉइंट होछ कोन हमरो कंडीशन फॉर होछि कोन एटा हमरो कोप्लानर ठीक अछि ना बले देखो कोप्लानरिटी रो कंडीशन कोन बले मन रखो ये हो ची x two minus x one, y two minus y one, z two minus z one, ये हो ची पहले a one, a two, b one, b two, c one, c two, this determinant equal to 0 आ चुका है। जो दी 0 है तो हमें कोई पहले आप पहले कौन है इटा हमारा कोप्लानर वाली कोई पहले आप पहले। ये पॉइंट मंडे को, नेक्स्ट हो ची कौन देखो पहले एंगल बिटवीन हो ची लाइन एंड प्लेन। ये रहा मेरे क्वेश्चन आप शुरू है। सब वो नोट करो पहले शॉर्ट पैंग नोट पैंग हो ची बट डिट पैंग को ऑलरेडी वीडियो तो देख पी रही हो प्रॉब्लम कुछ नहीं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन लाइन एंड हो चुका है हमारा प्लेन देखो ये कौन आछ हमरा एटा फार्मूला होची थीटा इक्वल टू नॉर्मली कौन था हमरा कॉस इनवर्स आसला एटी मन रखियो प्ले साइन इनवर्स आसीओ बाकी सब सेम आसीबो ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी बाय रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस आसीओ प्ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ऑफ आसीओ प्ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये होच कोन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन बोले एति हमर बेसिक कांसेप्ट रहला बोले आउ टिके थ्योरी अछि त गुसरा देबा फर्स्ट ये नोट कर दे बोले पॉज कर ओके भौची कॉपी कर दिथियो बोले बासिक हमर डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ए पॉइंट दैट फार्मूला हमर देई छिले दरकार नै दिखि छि बट इंपोर्टेंट होछ कोन हमर रेजिस्टेंस बिटवीन होछि टू लाइंस पे जेकि फर्स्ट टू कहली लाइन रो स्टार्ट करे फर्स्ट टू कहली कोन हमर नोट भी कर देबले एटा कंपलसरी ओड क्वेश्चन आइ आछ छि तुम देखि परिबो मु क्वेश्चन दे तुम कहि दे छि देखो बहिर भी आरो ऊपर क्वेश्चन भी देई छि पहिले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन जेकि पहिले एग्जांपल नंबर दे हम देखिबा 22 देखि परिबो तुम पहिले इधर कौन बचा ला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन प्ले
लाइन दिराम गिवन थी से रेप्रेजेंटेशन पचार पारे बट डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आस पारे पले आ मन रख ए जो लाइन पार्ट रो कोचे पले पार्टिकुलरली फोर मार्क भी इंपोर्टेंट पले और लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट तुम्हें चाहिए पले सब जगह क्वेश्चन इट बीट कर पे कौन जिन इंपोर्टेंट दौनि कहीं फर्स्ट यहाँ हूँ बेस इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में कंपलसरी आस था गोटे इंपोर्टेंट बेस कहे इमेज भी क्वेश्चन भी आस पारे पे फोटो पेपेनिकुलर भी आस पारे सब जगह क्वेश्चन आर इंपोर्टेंट पे ठीक अच्छे ना तो टोटाली तुम कह भाव देख 13 रो सी बोले 13 रो सी पूरा देख दि ए बी जदि आम चाहूचे पे 100 मार्क एक तुम्हें सब जगह जिस देखा पड़ो बोले हेल्ला बट आम जो सिलेक्टिव चाहूचे पे तो देख भल भाव बट मुझ भाव तुम आराम से 13 बी आउ सी जो पूरा करदेव बोले आराम से तुम कौन आसो तुम सब जगह क्वेश्चन तुम पाइज लंग क्वेश्चन पाइज फोर मार्क पाइज बिट क्वेश्चन भी पलास पारे पे बट डीसीएस डीआरएस बिट क्वेश्चन आराम से हो भाव पे ठीक अच्छे ना और आज तो मुझे किसी बिट क्वेश्चन इंपोर्टेंट दौनि पीएर है सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट आर 13 सी रही पाठ पे कौन बाकी रहा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे लंग क्वेश्चन कहे पे आ सर्ट क्वेश्चन जब देखा इमेज पचारि पारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुटे तो आम पाइज सीटा क्वेश्चन नंबर बा एक्जामपल नंबर पे 21 अच्छी इमेज सरी 21 ना पे 19 अच्छी इमेज क्वेश्चन गोटे है पार्लर क्वेश्चन 21 अच्छी बोले फुट अफ द पेपेनिकुलर अच्छी 20 अच्छी सब जगह क्वेश्चन गोटे इंपोर्टेंट जगह बोले लाइन देखिपर ठीक अच्छे ना पे आउ आज देखा आम कौन कले मेनली तीन टा पार्टी ही देखे बोले डीसीएस डीआरएस फर्स्ट वन लाइन हूँ सेकेंड वन लाइन हूँ थर्ड वन पे ये तीन सौ सरला पे ठीक अच्छे ना तो आज भी था पे तो आज तो कौन है यूनिट 5 रो पूरा डिस्कस करदे वेक्टर तो ही जाता 3D भी सरला पे आउ दुटा यूनिट रहा आम से हूँ फर्स्ट यूनिट आ फोर्थ यूनिट आउ सरदा पे बाकी आम क्वेश्चन भी डिस्कस करदे टाइम लिखे जो पे है तो आज भी था पे थैंक यू फर वाचिंग।